ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा। और ये चना जो है माशाल्लाह से आज हमने चने तैयार हो रहा है भाई, अरे गरीब खाने में माशाल्लाह से। कुत्ते तरबूज मास्टर रहे हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो भाई आज हमारे रूम पे इफ्तार का इंतजाम है हमारी तरफ से, मतलब ऐसा रोजा इफ्तार वाला इफ्तार नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में कभी हम इसके रूम में कभी उसके रूम में, तो आज हमने इंतजाम किया माशाल्लाह से अपने रूम में। तो थोड़ा सा हमने डेकोर करने की कोशिश करी है, तो तैयारी स्टार्ट हो गई है। वकार को फोन कर दिया, नाहिद भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। तो ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा अपना रूम डेकोर किया है, कैसे लग रहा है कमेंट करके बताएं। तो बस जल्दी से चलते हैं नीचे से जाके फ्रूट्स और बाकी चीजें लें, फिर मिलते हैं। तो बस निकल चुके हैं हम तैयारी करने के लिए, चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले कुछ फ्रूट्स खरीद लें। अकबर अहमद, अकबर अहमद, पपीता कैसे दिए भाई? कितना है ये? डेढ़ किलो जी। हैं? डेढ़ किलो। डेढ़ किलो है, दे दो। 10 केले दे दो भाई। भाई ये तुम्हारा, ये 10 केले निकालो इसमें, एक ये खराब ये हटा देना। अरे हमरा पपीता कहाँ गया? एक तरबूज निकाल दो, 3 किलो तक। पपीता हो गया, पपाया एंड आपका केले हो गए। हाँ रख दो, अलग पन्नी में रख दो, अब उसी में रखो कि जब टूट के नुकसान हो जाए किसी का। केले क्या भाव है? केले तरबूज बढ़िया रखो, 3 किलो। चलो ठीक है, 3 किलो थोड़ा। चलो ठीक है, हाँ टाका लगाओ, बिना टाका लगा के दोगे? तो ये माशाल्लाह से हमारा जो है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई धीरे धीरे सारी मतलब कि ये सारे फ्रूट्स हो जाएगा, उसके बाद चने ऑलरेडी रेडी है, चने पापड़ अनगो दूध देखेंगे क्या क्या होता है। इसलिए वो करो, आप पैसा बता कितना हो गया। मैं भी है क्या करें गाइस, अभी बकार को फोन कर दिया, बकार पहुंच रहा होगा, बोल दिया कि प्लेटें भी ले आए। ना 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 ना, 10 लोग आने वाले हैं, क्या करेंगे। चलो भाई ला पकड़ा दो हमको, कम कर दिया करो, सवाब मिलेगा। रमजान आदमी पता है, रमजान में और महंगा कर देगा एकदम। रमजान में सवाब कमाना चाहिए तो और महंगा कर देगा, कि आदमी को खरीदना तो पड़ेगा ही, और रमजान जब निकल जाएंगे तब सस्ता कर देगा। ये नहीं चाह रहा है कि भाई रमजान में बरकत होगी, रमजान में कम करना चाहिए, लेकिन आदमी रमजान में महंगा कर देगा। जो 10 की चीज़ होगी तो 25 कर देगा, 25 की होगी तो 30 कर देगा। मजबूरी का फायदा हर कोई उठाता है। माशाल्लाह से ये सारी तैयारियाँ चल रही हैं। हमारे बगार भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, जरा पकड़ना है वो, खोल दूँ आराम से। आराम से चाबी गिरा देने का। दस्तरखान कहाँ रखा है? मैं इतना हड़बड़ कर रहा हूँ क्योंकि लेट, ये दस्तरखान है, ये दस्तरखान बिक जाएगा माशाल्लाह से। और ये इसमें चलो प्लेट है सही यार। क्या करें, मेरा मन था ना कि जो भी मेरे यहाँ कुछ ना कुछ हदिया दें, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि इन चीज़ों का प्लान करें, फिलहाल कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। सो भाई सबसे पहले ये तो हमारी जो कढ़ाई है वो खाली हो जाएगी, ये चढ़ा दिया हमने, ये हो गया, तेल भी दिखा बच जा। तो ये है, बाकी फ्रूट्स तो माशाल्लाह से हम बहुत तेज काटते हैं, हमने लखनऊ में बहुत फ्रूट काटे हैं, तो फ्रूट में तो हम मतलब 15 मिनट में हम पूरा फ्रूट काट देंगे, इतना मेरा स्पीड है फ्रूट काटने में, तो फ्रूट काटने में मेरे को टेंशन नहीं है। बाकी नीचे बिरयानी बोल दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी भी हमारी इफ्तार में हो जाएगी। पूरी देख आ रही है क्या ऊपर? देख नहीं आ रही, इफ्तार वाली बिरयानी है, मतलब डिनर वाली बिरयानी है। मैंने कहा देख मंगा ली ना पूरी, नहीं इंशाल्लाह आप सब दुआ करिए, आप सब सपोर्ट करिए, तो देख वाला भी इफ्तार इंशाल्लाह। तो ये चिप्स आ गए हैं माशाल्लाह से। पकौड़ी कौन सी बनाई जाए? पकौड़ी पहले आप प्याज वाली, और पतले पतले आलू काट ले रहे हैं, आलू प्याज दोनों की बन जाएंगी। इसमें जो है एक काम ये करना, ये कढ़ाई तो हो गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेल थोड़ा ज़्यादा कर दे तो अच्छे अच्छे तलेंगे, बंद कर दो भी। तो भाई माशाल्लाह से देखो यहाँ पे हमारे वकार भाई तैयारी कर रहे हैं ज़बरदस्त। अब प्याज बहुत तेज लग रही है, मैं एग्जॉस्ट चला देता हूँ, कभी तेल हो जाए। तुम अपने हिसाब से काट लो, मैंने इस तरीके का बनाया नहीं। आपका ये तेल है, और ये हमने प्याज और हमारा मिर्चा है, और ये हमने चना को पहले बॉईल कर लिया है, अब चना तलने जा रहे हैं, तो तेल हो जाए फिर ये डाल देंगे। और ये यहाँ पे प्रोसेस क्या चल रहा है, यहाँ पे आलू के चिप्स बन रहे हैं, चिप्स नहीं भाई, आलू के भवेड़ गाँव में आलू की पकौड़ियाँ। अम्मा भैया कानून से कहा जान सुन के आइएगा, हमें आज थोड़ा हाथ हाथ बटा लिया, अकेले परेशान होते बेचारा, वकार आ गया है, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। सुबह ये हम प्याज आपका तल रहे हैं, देंगे अरे तल गए हैं चिप्स, लाल मिर्चा ओके, बेसन की रेडी हो रही है, और ये ले नमक और ये मिर्चा माशाल्लाह से। चलो
खोल के दो। हाँ। ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए माशाल्लाह प्लेटें भी लिया है। चलिए बहुत अच्छा काम किया आपने। ये हम प्लेटें तो परमानेंटली देंगे। अच्छा, जब तुमसे बस लड़ाई हो गई तब वापस देंगे। तो ये है भाई, यहाँ पे हम पपीता काट रहे हैं, यहाँ पे बेसन की तैयारी हो रही है। ये अस्सलाम वालेकुम भाई, स्वागत है हमारे गरीब खाने में माशाल्लाह से। सलाम मिली मिली। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। काम कर रहा है। जैसे केला निकलवा लो और चाकू जो है। चाकू है? हाँ, तीन चाकू है। मैं आ गया ना पूरा नूर लेके। हाँ माशाल्लाह, ज्यादा ना आज जो ना हम थोड़ा मोटा मोटा पपीता काट रहे हैं। उस दिन फालू का तो मैं करू करू लाग गया है, इस बात का एहतियात कर रहे हैं। अरे आप बंद करोगे, खोलोगे तरबूज कट गया। कट गया नहीं, सही हकीकत है। आज क्या करेगा? हेलो बोलिए, आसमान को पपीता मंगाया हो। बोला फिर काम से। हाँ। बोले भाई कैसी काम जो बोले भाई तेरे ताल से का है। श्याप भाई जो तो केला। श्याप भाई अयोध्या वाले। खोल खाके तो कार खोलो ना भाई। नहीं नहीं खोलो ना, जो है ना वो खराब हो जाएगा। ऐसे धरके काटे थे जैसे कानून से टमाटर काटा दो। ये तो टेंशन ना ले। ये देखिए भाई समोसा बन रहा है। समोसा नहीं बन रहा यार, गुआए बनाते हैं। क्या चाहिए सब्जी? प्याज की सब्जी नहीं बनाती है, फलौरी। फलौरी बने वाला की है। फलौरी सबसे ज्यादा मुश्किल काम होते पपीता काटना। सही माँ कसम खुदा की, दुनिया के फल कटवा लिया, पपीता और अनार ना कटवा। देखिए हमारे सैफ है, इन्हें होटल से बुलाया गया। वो बनेगा यहाँ पे? नहीं बना पाते हैं भाई। और नाहिद आए हैं, नाहिद तुमने थोड़ा काम दे दिया कि नाहिद थोड़ा सा जो है चने तल रहे हैं, तो चने चला दे कहीं ऐसे के नीचे लग जाए। इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह तौफीक देगा तो देख वाला भी करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। तैयार हो रहे हैं भाई। बहुत ही काला चना है, काबुली चना है कि एक बार पता नहीं कौन सी मील से निकलवा के लाओ। ये कई सतरंगी चना है, कोई भी ना मजा के तो कह दी मजा के है। कितनी बच्चा चकदंदरी नियत बांध दिए, कितनी बच्चा कमाई हो। कुछ दिन बाद तोरे कमरे में जगह थोड़ी बची टांगेगी। रही ब्यूटी है तो मैं ले जाऊंगा तोरे, जो तुमको पसंद आ जाए वही ले लियो। मैंने पेंटिंग करा ली है कमरा ना। कहे जहाँ से आवे वन ऑर्डर कर है, तो ऑर्डर आया है तो आओ भाई। माशाल्लाह जी तरबूज काटते हुए उत्ते तरबूज मास्टर है। तरबूज अब इसको करना क्या है, बस ये पहले कहाँ सीखो काटर काटर और नमाज पढ़ी हुआ जो है और ऊपर से लेके नीचे तो फुल जड़ी लागी। पठानी पहन के आगे माशाल्लाह से माया तो माहौल है। चना चना काला वाला कौन सा है? काला वाला ये है अपनी मौदा का, सफेद वाला है दिल्ली का। कितना टाइम लगेगा भाई इसमें? टाइम है कम से कम, अभी हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि मैं पहली बार खुद चना तल रहा हूँ। ये हमारे काबुली देसा। ये किस लिए फिर बोल के रखा है? ये सब बनाए गए पकौड़ी। अकबर भाई तो चना नहीं तल रहा यार, बस तल गए यार ये चना, इतना चल गए। चल लगे तल गए। अब जो है एक काम करो, चना को जो है ना चना खाते में वाली प्लेट दे रहा हूं ना, बड़ी वाली चना ज्यादा है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसे बिरयानी उठा ले। सो आ गए हैं बिरयानी लेने। कहाँ चले? चलो भाई आ गए हैं रॉयल बिरयानी में। शनवास भाई अस्सलाम वालेकुम, बिरयानी रेडी है ना? रेडी है ना? हाँ पुसी कैट। क्या क्या ठार करना, मैं आ रहा हूँ लेके। हाँ ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया आप। मैंने तो ये हमारे शरीक भाई और माशाल्लाह से सारे लोग आ गए हैं। फारूक रह गया, तैयब रह गया, बाकी माशाल्लाह शीशु इसमें रखेंगे। तो जब खोल नहीं है भाई। चलो बिरयानी हो गई है, आइए शरीक भाई। अब मोड़ क्या? तो शरीक भाई बाइक लगाएंगे उधर और हमने बिरयानी ले ली है एंड अब चलते हैं यहाँ से जल्दी से। पकौड़ी माशाल्लाह से बन रही है, ठीक बनती है? बहुत कर दे। अरे तेज ना टोपी लगा घूम रहा है। अल्लाह माफ करे, मैंने ध्यान नहीं दी नहीं। पहले मंगल मार्केट से बर्तन खरीदे चाहिए। अरे नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, गरीब खाने में आपका स्वागत है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये टोकरी कोने काम आई है? टोकरी मैया केले रख दिया ना,
पेट खाली दिन में इफ्तारी कर रहे हैं मकान में गिलास में निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चाहे व्लॉग हो या इफ्तारी हो, जब चीजें हैं माशाल्लाह से। और ये चना जो है माशाल्लाह से आज हमने ठीक ठाक तल दिए हैं, तब क्योंकि बर्तन तो है नहीं, अब हमें मेरा अकेले का मसला है ना, तो मैं फिर उसी हिसाब से दो या एक लोग के हिसाब से रखता हूँ, तब हम इसमें रख रहे हैं, क्या करें, दो जगह हो जाएगा। नहीं भाई भाभी का लोहा है तो अवतार हमारे को जल्दी जल्दी हुई जल्दी। हाँ बस दूसरी जगह अब लगा थे मोहर्रम हलीम खाएगा बिली अभी ऐसे लगा थे चना वैसे नीक तल के इतनी देर में कछुआ गया तो चना तले में कसम खुदा चना बढ़िया तले बढ़िया मस्जिद रोड पर जा रहा है लाए हमारे शरीक भाई जूस। तो अब क्योंकि ये हमारे पास इतना अच्छा था तो हमने कहा क्यों नहीं भाई थोड़ा सा अरबी की स्टाइल दिया जाए, प्यास लगा रहे हैं, बाद में निकालेंगे कि किसी का पैर लग गया तो नुकसान हो जाएगा, इतना मैंने मेहनत की। प्लेटें हैं कहीं विजन तैयब भाई आई आई है, गरीब खाने में स्वागत है माशाल्लाह से। और यहाँ पे तमाम लोग आ गए माशाल्लाह से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेलकम वेलकम। जूस का डिब्बा और आ गया है माशाल्लाह से, ये सामने वहाँ सजा दो पन्नी से निकाल के बंद कर दो, बाद में करेंगे जब तक माशाल्लाह बिरयानी थोड़ा बराबर करी जा रही है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से सारा जो है ना जूस धरवा दे भन बिजन जो है ना डाला ये वहाँ मिली थी वाह अलनौस से, हाँ कन्नौस से नहीं यार ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है, ना तू बन सका ना बना सका वो ना। भाई सब ने बहुत अच्छे से इफ्तार किया है, शरीक पिंटू वक़ार नाहिद शरीक एंड तैयब एंड शियाब ने बहुत सबको बहुत पसंद आया और सब ने बहुत अच्छे से इफ्तार किया, बहुत खुशी खुशी, बहुत नूरानी रूम लगा मेरा, तो देखो कितना नूर बरस रहा है मेरे रूम पे माशाल्लाह से। ये पकौड़ियाँ हैं जो वक़ार ने बनाई हैं और सच में बहुत अच्छी वक़ार ने पकौड़ियाँ बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार भाई आपका। और दो तरह की पकौड़ी बनाई, प्याज की बनाई और आपका आलू वाली बनाई जो कि बहुत बेहतरीन बनी, और सब देखो सब थोड़ा सा एक दूसरे खिंचाई भी थोड़ी सी कर रहे हैं दोस्त यारों में, ये थोड़ा सा चलता रहता है। भाई सबने बहुत अच्छे से इफ्तार कर रहे हैं, कैसा लगा भाई? बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे शुक्रिया नहीं यार, बस मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ इसलिए जो है तो थोड़ा सा कम हो पाता है, लेकिन कोशिश मेरी रहती है सबसे मिलता जुलता हूँ भाई। बहुत ही बढ़िया, अल्लाह आपको जन्नत में जन्नत में तो के लिए तो सब कर रहे हैं भाई, बिल्कुल नसीब करे तुम्हें बुरा मानने में कोई बात नहीं, मरना सबको। भाई माशाल्लाह से ये पूरा फिनिश हो गया, अभी फिर भी थोड़ी सी इफ्तारी बची हुई है और यहाँ पे सब। अरे शुक्रिया कह रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई इफ्तार हो गया माशाल्लाह से और अब जा रहे हैं नमाज पढ़ने, शियाब भाव चलो चलो चलो। ये है हमारे शियाब भाई और ये हमारे तैयब भाई माशाल्लाह से, बहुत 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 खुशी हुई भाई आप हमारे गरीब खाने में आए, बहुत अच्छा लगा अकबर भाई, बहुत शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया। तो बस चलते अभी नमाज पढ़ने, नमाज हमारी मगरिब की नमाज हो गई है एंड हम इनको पकड़ के लिए जा रहे हैं, हमने कहा कि अभी थोड़ा सा आपने कम खाया है और शुक्रिया भाई आप सब ने बड़ी मेहनत करी, सब ने क्या बोलते हैं आपका हाथ बटा।
यहाँ पे हंसी खुशी का माहौल हो गया है माशाल्लाह से। तो भाई वाला से नमाज पढ़ के रूम पे आ गया था, रूम की हमने पूरी क्लीन की जिसमें हमारा साथ दिया है बकार भाई ने, तो बकार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बकार ने पकौड़ी भी बनाई और भी बहुत, आपने देखा पूरे ब्लॉग में मजा आया, बहुत बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबने बहुत अच्छे से इफ्तार किया, मुझे बड़ा सुकून और बहुत खुशी हुई, जैसे मैंने सोचा था कि यार ऐसा इफ्तार होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हो गया। तो अभी वकार जा रहे हैं, वकार को थोड़ा काम है, चलिए ओके अल्लाह हाफिज मिलते। सो दोस्तों ये प्यारा सा हमारा इफ्तार व्लॉग था, हम एंडिंग नहीं कर पाए थे। अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड ये व्लॉग आपको कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं सीधे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।